हेलो गाइस, वेलकम टू दी चैनल। आप सभी को मेरा नमस्ते। तो दोस्तों, आज मैंने IBPS PO मेंस का मॉक दिया है, प्रैक्टिस मॉक का, मॉक नंबर 1। तो आज का वीडियो छोटा सा ही है, उसके ही स्कोर आपको दिखाऊंगा मैं। और मैं आपको पहले ही बता दूं कि मॉक बहुत ही बेकार गया है मेरा, और इसमें मैंने GK का जो सेक्शन है ना, वो अटेम्प्ट नहीं किया है ना। तो विदाउट एनी फर्दर एडू हम शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये IBPS PO का 2022 का था, है ना। तो मॉक नंबर 1 था, जो कि फ्री है, तो मैंने ये वाला दिया था मॉक नंबर 1। तो देख सकते हैं आप, स्कोर 31.5 आए हैं मार्क्स। और मैं आपको इंडिविजुअली बता देता हूँ, रीजनिंग में मैंने अटेम्प्ट किए थे 17 और 3 गलत हो गए, तो मेरे स्कोर आए थे रीजनिंग में 16.5। GK मैंने किया नहीं था, इंग्लिश में मैंने अटेम्प्ट किए थे 18 और 7 गलत हो गए और 11 इनकरेक्ट हुए। ये इंग्लिश में मैंने क्या किया कि जैसे क्वेश्चन आ रहे थे वैसे ही मैं करता जा रहा था, मतलब मैंने चेक नहीं किया कि कौन से क्वेश्चन कहाँ पर हैं। RC से शुरू हुआ था तो RC से ही करता रहा मैं। बाद में मैंने देखा पीछे जो क्वेश्चंस थे वो मैच द फॉलोइंग वाले थोड़े इजी थे, तो वो अटेम्प्ट हो सकते थे, लेकिन मैंने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया, जो क्वेश्चन आता रहा वैसा करता रहा। फिर आया डेटा इंटरप्रिटेशन, भाई साहब बहुत टफ था, मतलब इतना टफ भी नहीं था, अब मेरी ही गलती है थोड़ी बहुत, तो और ज़्यादा अटैम्प्ट हुए नहीं मेरे। 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट हुए थे, उसमें 2 गलत हो गए, तो है ना, 2 गलत हो गए ना, तो नंबर 5 आए हैं। सिंगल डिजिट में आया, देख लो आप स्कोर, है ना, क्वांट का। अगर ये 2 मार्कर के थे ये 2 क्वेश्चन जो गलत हुए, तो 4 नंबर और आ जाते हैं, तो 9-10 हो जाते तो सही रहता, मतलब। खैर जो भी था, अब मैं आपको इंडिविजुअल सॉल्यूशन दिखा देता हूँ खोल के। जी, तो रीजनिंग खुला था, पहली पजल थी, स्किप करी थी। फिर आया था ये डेटा सफिशेंसी टाइप के थे, इसमें बताना था कि कौन सा स्टेटमेंट रिडंडेंट है, तो इसमें ऑल द 3 स्टेटमेंट रिडंडेंट बताया हुआ है। और फिर मैंने जब चेक किया तो वाकई में सही था, क्योंकि तीनों स्टेटमेंट से हमको आंसर नहीं आ रहा था पता, हर स्टेटमेंट से अलग अलग आंसर आ रहा था, तो जो कि इनकरेक्ट होगा, तो फिर वो तीनों ही स्टेटमेंट रिडंडेंट हुए, इस हिसाब से इन्होंने ई लगाया था, है ना। फिर दूसरे भी ये डेटा सफिशिएंसी के ही थे, तो ये तो इजी थे तो कर लिए थे मैंने, ठीक है। फिर बीच में ये पजल वगैरह आई थी, बात के लिए छोड़ी थी, लेकिन टाइम मिला ही नहीं। फिर आया ये इनपुट आउटपुट वाला, 3 क्वेश्चंस थे इसके, इजी था, इसमें खुद ही बताया हुआ था इन्होंने कि स्टेप 1 में क्या करना है, स्टेप 2 में क्या करना है, बस जो ये स्टेप 3 था वो खुद हमको ढूंढना था। इसमें लिखा हुआ है, देख सकते होंगे आप, स्टेप 3 इज कोडेड इन सम स्पेशल पैटर्न। तो स्टेप 3 का एक क्वेश्चन था 20 नंबर 3, इसमें आपको स्टेप 3 का पूछा था, तो यहाँ ये क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपको स्टेप 3 का लॉजिक पता करना होता। बाकी ये जो तीन बाकी 2 क्वेश्चन थे वो सिंपल थे, है ना, तो ईजी था तो हो गया था। फिर मैंने किया ये DI, मतलब सॉरी क्रिटिकल रीजनिंग, जो कि गलत हो गई है। फिर मैंने किया था क्वेश्चन नंबर 30, जो कि ये था, इजी था ये। फिर एक ये पजल आई थी, तो ये मैंने करी नहीं। फिर ये सिलोजिस्म था, कोडेड वाला था, सिंपल था। ये भी डायरेक्शन साइंस के 2 क्वेश्चन थे, बस आपको यहाँ डायरेक्शन देखते हुए करना था, ये यहाँ पे दिख रहा है ये, और बनाना था, और इजी था ये तो हो गया था। फिर ये पजल आई थी एक ब्लैंक वाली, तो मैंने ये अटेम्प्ट करी थी, 4 क्वेश्चंस थे इसमें, तो 4 क्वेश्चंस थे इन्होंने, लेकिन क्या किया, सिंगल मार्कर ही थे, मतलब ये 3 क्वेश्चन 1 नंबर के दिए थे और लास्ट का जो क्वेश्चन था वो 2 मार्कर का था बस, जबकि 2 मार्कर की तो देनी चाहिए थी इनको, क्योंकि ब्लैंक वगैरह दी हुई हैं, हालांकि इजी थी, लेकिन तो भी इनको 2 नंबर की दे देनी थी तो सही रहता। खैर जो भी है, सॉल्व ये वाली कर दी थी पजल मैंने। फिर एक ये था डेटा सफिशेंसी का ही था, मतलब कौन सा स्टेटमेंट से हमें आंसर मिल जाएगा, तो वो टिक करना था, तो ये गलत हो गया था मेरा, तो ऐसे मैंने रीजनिंग का अटेम्प्ट किया ये वाला, है ना। फिर खुला था इंग्लिश सेक्शन, इंग्लिश में RC खुला था, 8 क्वेश्चन थे, और मेरे जो गलत हुए हैं RC में वो इन्फर वाले गलत हुए हैं, या फिर जो राइटर क्या सोचता है, क्या कोई लाइन अगर पैराग्राफ में है तो राइटर ने क्या सोच के वो लाइन दी है, तो थोड़े इन्फर वाले जो क्वेश्चंस थे जिसको कॉम्प्रिहेंड करना होता है, वो वाले क्वेश्चन थोड़े गलत हुए मेरे RC में। तो जैसे कि इसमें कि व्हाट कैन बी इन्फर्ड, ये वाला गलत हुआ। 91th क्वेश्चन जो है वो भी यही था कि ऑथर ने क्या सोचा कि
क्या समझा, मतलब इनमें क्या हो रहा था कि कोई दो ऑप्शन सिमिलर मतलब बहुत क्लोज जा रहे थे, और थोड़ा और समझने के लिए समय चाहिए कि भाई कौन सा वाला एग्जैक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि दोनों ही सिमिलर से लग रहे थे। तो फिर ये गलत हुआ, मतलब मैंने रिस्क लिया इसमें, है ना। तो ये आरसी थे, अच्छे थे आरसी, इनकी राइटिंग सिंपल थी, समझ में आ रहा था, सीधा सीधा पढ़ते जाओ आप और समझ में आएगा। बस जो क्वेश्चन थे थोड़े इन्फर बेस्ड वाले गलत हुए हैं। फिर ये जो पैराग्राफ थे, छोटे छोटे पैराग्राफ थे, तीन दो सेट के थे, मतलब दो क्वेश्चन हर पैराग्राफ में, एक में तो ब्लैंक दी हुई थी, आपको ब्लैंक फिल करनी थी, और दूसरे में उसका सेंट्रल आइडिया पूछा था, है ना। तो ये इस टाइप के थे क्वेश्चन। फिर आया ये मैच द फॉलोइंग वाले, जो ये मैंने करे, मैंने तीन तक कर पाया था मैं, फिर टाइम ख़त्म हो गया, तो बाद में देखा तो और भी थे ये क्वेश्चंस, तो ये कर लेता मैं, लेकिन खैर छोड़ो। फिर एक ये सेट पूछा था ब्लैंक वाला, ये देखूंगा, मैंने अभी देखा नहीं है ये। तो ऐसे मैंने इंग्लिश का अटेम्प्ट किया था। फिर ये क्वांट खुला, क्वांट में तो भाई साहब कल ही मैंने ना डेटा सफिशिएंसी की प्रैक्टिस करी है, और दोनों ही क्वेश्चन मैंने गलत कर दिए आज मॉक में, मतलब ये है, मतलब कल प्रैक्टिस करी और आज रायता भी फैला दिया मैंने, तो ये दोनों गलत हो गए। और टू मार्कर थे तो बहुत नुकसान भी होता है ना, टू मार्कर का नेगेटिव भी थोड़ा भारी पड़ जाता है। फिर मैंने ये कैलकुलेट करी थी, छोटू सी थी, दो मार्कर की थी, तीन क्वेश्चंस थे, इसमें क्या दिया था, तीन लोग हैं, इन्वेस्टमेंट करी है, और मंथ्स नहीं बताए थे, मंथ्स हम इन्होंने एक्स के टर्म्स में दिया हुआ था, कि ए ने एक्स मंथ के लिए, बी ने एक्स माइनस थ्री, सी ने एक्स प्लस थ्री मंथ के लिए। तो आपको पहले एक्स की वैल्यू ढूंढनी होगी, तभी आप पूरा ये सॉल्व कर पाओगे। तो मैंने कैसे किया था गाइस, देखो जैसे यहाँ सोल्यूशन दिया हुआ है ना, इन्होंने तो पता ही नहीं, मतलब रायता ही फैलाया हुआ है, मतलब जो अच्छा खासा इंसान जो पढ़ना चाहे ना वो भी नहीं पढ़े, वो भी बंद कर दे इसको देखते ही। तो मैंने तो ऐसे किया था, बताता हूँ आपको। ये जो जैसे क्वेश्चन पूछा है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4x-6x+30, तो मुझे मालूम है एक्स की वैल्यू मंथ्स है, यानी 1 से लेके 12 के बीच में होंगे वैल्यू। तो मैंने चेक करी, एक्स की वैल्यू 1 डाली, 2 डाली, 3 मंथ, 4 मंथ, 5 मंथ, 6 मंथ, तो 9th मंथ पे है ना ये 300 आ गया था, ऑप्शन मैच कर गया था, बाकी कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा था, कोई भी वैल्यू मैं डालूँ एक्स की तो नहीं हो रहा था, लेकिन एक्स इक्वल टू 9 मंथ डाला मैंने तो बैठ गया था। तो फिर मेरे को समझ में आ गया कि 9 मंथ के लिए ए ने किया है, फिर 9-3 मंथ के लिए बी ने, और 9+3 मंथ के लिए सी ने, फिर वो आसानी से हो गया सॉल्व। तो बस आपको यही दिमाग लगाना था इस कैलकुलेट में, अगर ट्रेडिशनल मेथड से जाओगे तो गलत ही होता या होता ही नहीं, मैं तो कहूँगा, है ना। लेकिन आप थोड़ा, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा लो ना, तो आपको पता चल जाता कि अगर ऐसे कर लें, वैल्यू डाल के इस क्वेश्चन के थ्रू से हम हेल्प ले सकते थे और आंसर ला सकते थे। तो ये वाली मैंने तीन कर दी थी, टू मार्कर की थी ये। फिर मैंने एक ये किया था, नंबर सीरीज का क्वेश्चन था, टू मार्कर था ये भी, तो ये भी कर दिया था मैंने। फिर टाइम ही नहीं बचा पता है, फिर बाद में इनमें तो बहुत मैं ट्राई करता रहा लेकिन नहीं हो पा रहे थे मुझसे। और लास्ट में भी एक छोटू सी ये दी हुई थी इन्होंने, कैसलेट थी स्टीम और बोट की, उसमें देखो आप देख सकते हो कि 4-6-5 सेकेंड्स लगाए मैंने, लेकिन हुई नहीं मुझसे, मतलब हुई क्या, टाइम भी ख़त्म हो गया था और फिर हो भी नहीं रही थी, मतलब तो आसान तो है नहीं, हमको पता ही है मेंस है ये, तो सिंगल मतलब डबल डिजिट में स्कोर लाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, खासकर क्वांट में और रीजनिंग में। तो उस हिसाब से ठीक ही था, मतलब अब ये क्वेश्चन अच्छे हैं मुझे पता है, ये भले मेरे नंबर इसमें कम आए हैं या अटेम्प्ट अच्छे नहीं हुए हैं, लेकिन जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगा ना मैं कल, वो मेरी प्रैक्टिस को अच्छा कर देंगे, और है ना। तो ये था गाइज आज का वीडियो, है ना। तो आप भी बताइएगा अगर आपने ये मॉक दिया होगा, क्योंकि कई लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता रहे थे कि आप मॉक नंबर 1 दीजिएगा, प्रैक्टिस मॉक का, मैंने लास्ट टाइम ओली बोर्ड का दिया था तो तब काफ़ी लोग पूछ रहे थे, तो मैंने ये दे दिया है, तो आप भी बताइएगा आपके क्या स्कोर रहे, है ना। तो यही था गाइज आज के वीडियो में, और टिल देन कीप स्टडिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।